क्या है भाई, ये क्या हालत है? ये गंद, कुर्सी कपड़ों से भर गई, टेबल में कॉपी रखने की जगह नहीं, सिर्फ कीबोर्ड रखने की जगह। कैसा कमरा है, क्या है? हाँ जी भाई, अस्सलाम वालेकुम। दिन आज सैटरडे, टाइम ऑलमोस्ट 3 बजने लगे हैं और गंदगी की हालत आपने देख ली है। जैसे कि मैंने आपको पहले बोला था कि थोड़ा आप अपना सिस्टम सही करना, आज पहले कमरा साफ करेंगे और फिर टाइम पे थोड़ा जिम जाएंगे ताकि शाम को थोड़ा चिल रह सकें। लेकिन शुरू करते हैं हम सबसे पहले कपड़े संभालने से। ये कपड़े मैंने धो के इधर रखे हुए हैं, अब इनको बस डालना है अलमीरा में। बाकी ये जो गंदे कपड़े हैं इनको उठा के वापस इधर। ये पैंट भी धुली हुई है, एक ही बार पहनी है, इसको भी लटका दूँ। और ये है मेरा क्लोज़ेट। हालांकि मैं कपड़े सही तरीके से रखता हूँ, लेकिन जो मैंने कपड़े उसे सेट करके रखे हुए हैं, हैंगर में ही रखता हूँ हमेशा। ये अक्सर यूज़ में नहीं आते, आजकल शर्टें पहना मैंने छोड़ी हुई हैं। और ये थोड़ा गर्म कपड़े अभी इनके काम आएंगे। और ये सब वगैरह टी शर्ट्स वगैरह। और ये जूते मेरे नहीं हैं, ये रूबी के जूते हैं, वो यहीं छोड़ के गई हैं, इसको भी बाहर फेंकना है। और ये भी टी शर्ट्स वगैरह। अब अपने यहाँ मैं पहले सेट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद बाहर का गंद देखेंगे। तो चार कपड़े सारे पहनता हूँ, रोटेशन में वही चलते हैं मेरे पास। एक ट्राउजर ये है जो मैंने पहना हुआ, ये भी सेम कलर और ये भी सेम कलर। हफ्ते में मैं यही दो ट्राउजर पहनता हूँ और लोगों को लगता होगा इसके पास एक ही ट्राउजर है लेकिन दो हैं। ओके, दूसरी चीज हुड, एक ये हुड है ब्लू, एक ये हुड है सेम ब्लू, लिखा अलग है, जिस जो पढ़ता नहीं होगा उसको भी लगता होगा सेम है लेकिन नहीं, दो है। यही दो रोटेशन कर करके पहनता हूँ। कपड़ों की खलासी मुकी है और अब मेरे ख्याल से अब गंद का कुछ करना पड़ेगा। ये जो चीज़ें खास खा के मैंने ऐसे फेंकी हुई हैं, वो ये डस्टबिन, ये फालतू लफाफे, टेबल से गंद वगैरह, अब इनका कुछ करते हैं। और फिर उसके बाद बिस्तर वगैरह फोल्ड, और फिर क्या बचा? कमरा मैंने कर दिया साफ, कपड़े संभाल दिए, गंद वगैरह उठा के फेंक दिया, कमरा ऑलमोस्ट साफ। मैं आपको कमरा एक बार दिखा देता हूँ। अब एटलीस्ट हर जगह गंद नहीं दिख रहा। गुड, जिम में सबसे पहले कचरा फेंकूँ। यहाँ ट्रैश कैन बने होते हैं, कचरा वहाँ डालना होता है और गाड़ी आती है वो उठा के ले जाती है। अभी वहीं जा। मुझे याद आया कि मेरे से किसी भाई ने पूछा पिछली वीडियो में कि ये शूज़ कौन सा है और कितने का लिया। ये शूज़ का नाम है न्यू बैलेंस V4 Rebel और ये मैंने लिया था $120 का, $140 का है, लेकिन मुझे 10% 15% ऑफ लग गया क्योंकि मैंने अकाउंट बनाया और मुझे पड़ा $120 का। मौसम आज बड़ा ही ज़बरदस्त, ना गर्मी ना सर्दी, टहलने के लिए बड़ा अच्छा, रनिंग के लिए वेरी गुड। जो मुझे लगता है यहाँ का सबसे खूबसूरत जो मौसम होता है दैट इज़ फॉल, ऑटम। और पेड़ों के जो कलर्स हैं आप चेक करो, यहाँ हर वैरायटी के कलर आपको दिखेंगे, लाल पीले। और ऐसे मेरी कोई प्रेफरेंस नहीं है कौन सा सीज़न ज़्यादा पसंद है मुझे, बट मुझे लगता है कि ये खूबसूरत ज़्यादा होता है ऑटम, क्योंकि डिफरेंट कलर्स। आपने ये मूवीज़ कार्टून्स वगैरह में बचपन में शायद देखा हो। पहले मैं सोचता था ये होता क्या है, लेकिन ये फायर हाइड्रेंट है, यहाँ पर कभी आग शाग लग जाए गाड़ी आती है और ये वाटर सप्लाई यूज़ करके आग बुझाती है। और यहाँ आग लगना इज़ लाइक वेरी कॉमन, बिकॉज जो घर है वो लकड़ी के बने हुए हैं ज़्यादा, तो इसीलिए मैंने ऐसा कोई हफ्ता नहीं देखा होगा जहाँ पर वो गाड़ी की आवाज़ ना सुनी हो, फायर फाइटर्स की जो गाड़ी नहीं होती। हर हफ्ता कोई ना कोई इंसिडेंट होता है यहाँ, बट अभी तक हम बचे हैं अल्लाह के फजल करम से, तो आगे भी बचे ही नहीं, दुआ करो।
जिम वगैरह करके आ गया हूँ, अभी रनिंग करते हुए आ रहा था, सोचा सलमान के घर जाऊँगा थोड़ा रेस्ट कर लूँगा, लेकिन उसके घर तक भी दौड़ के पहुँचने ही हुआ, तो हालत टाइट है। अभी मैं वहाँ जा रहा हूँ, फिर आज द कार बैंड वालों को मैंने बोला था कोई जैम सेशन वगैरह करते हैं, तो उन्होंने बोला ओके, तो फिर वहाँ से आपको मैं डायरेक्ट अब मिलता हूँ जैम सेशन में। इनसे मैंने आज सिफारिश की थी कि अगर जैम सेशन वगैरह करोगे मुझे भी बुलाना, कल डिसअपॉइंटेड थे ये सारे कि इनकी परफॉर्मेंस वैसी नहीं रही, तो आज दोबारा क्या सीन है। गमे जहां से घबरा कर तुम्हें दिल ने पुकारा है, तो हम आ गए आपके पुकारने पे, आप भी रेडी हैं आज? आज इनको मैं थोड़ा गाना सिखाऊंगा। ओके वन बाय, कल तो आपने पूरी महफिल जीत ली है, आज जीतेगा ये देखो, ऐसे चल तुम तो गया। तुम आदिवासी तेल लगाते हो बाजू में, क्या कर रहे हो फिर बाजू में, क्या किया तुमने? हमारे जो ये तेल लगाते हो मेरे सर के लिए बनाओ कहीं तिखी तिखी हो गया साड़ी तुवारी रब सो गया करिए कि किथे जाइए किते कोलो मंगिया दुआ मेरु तेरे हरे आ मेरु तेरे हरे रा लगदा सने ने जे तेरे चेहरे बिन आएगा आएगा होगा होगा ये मानी तुम से इज्जती मिल ढोल मैं नीचे तेरे से ये उम्मीद है कि तू एक गाना कोई पूरा A to Z तुझे लिरिक्स याद हो। वो आएगा, वो कवाली नाइट पे आएगा, कवाली नाइट आप आइएगा, कवाली नाइट। यस जहां कवाली नाइट ये एक इवेंट ऑर्गेनाइज करा रहा यूनिवर्सिटी में, जिसमें ये इनका बैंड पूरा गजलें वगैरह गाएगा, कवाली में गाओगे? जो गजलें लव लिरिक्स क्लासिक्स के लिए है अपना, उस पे हम बस क्लासिक्स करेंगे और महफिलें सजाएंगे। लिरिक्स याद है तुझे सब चीजों के जो गाओगी उधर? मैं बोला ना कवाली नाइट पे आइएगा इंशाल्लाह। ओ टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया, लूटा लूटा इसने उसको ऐसे लूटा, लूटा लूटा जिसने उसको ऐसे लूटा तो फिर उड़ ना पाया। भाई पहुँचे घर और सेशन जो था वो मोस्टली प्रैक्टिस सेशन था उनका, और हमारे साथ आ चुका है सलमान भाई। सलमान भाई आज क्या खिला रहे हो? आज कुछ बनाते हैं यार स्पेशल सा। स्पेशल
पास्ता बनाते हैं जो उस दिन कहा था हमने मस्त।